करण कुंद्रा और उनकी एक्स अनुषा के चर्चे अभी तक हो रहे हैं। अनुषा जब भी कोई पोस्ट डालती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो इनडायरेक्टली करण के बारे में कुछ कह रही हो। दोनों का रिश्ता कई साल तक चला, दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ इस बारे में करण कुंद्रा ने कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ बिग बॉस जब चल रहा था तो उस दौरान ये बोलते हुए जरूर नजर आए वो कि उन्हें कुछ चीज़ों को समझने में बहुत देर हो गई और अब वो अपने अगले रिश्ते में ये गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। हालांकि अनुषा ने कुछ बयान जरूर दिए थे पर करण ने कभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब अनुषा ने एक पोस्ट शेयर किया है और ये पोस्ट जो है क्या कहता है, इस पोस्ट में लिखा गया है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लाइक्ड बाय अ मैन एंड वैल्यूड बाय अ मैन। अगर आपको कोई शख्स पसंद करता है लेकिन आपकी वैल्यू करता है, इन दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अ लॉट ऑफ गाइज लाइक यू, बहुत सारे लड़के ऐसे मिलेंगे जो आपको पसंद करते हो, लेकिन आपको ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो आपको वैल्यू करते हो। तो ऐसे शख्स की तलाश कीजिए जो आपको वैल्यू करें। इसी पोस्ट को शेयर करते हुए अनुषा ने लिखा, दिस इज जस्ट सो ट्रू टू ऑल माई गर्लफ्रेंड्स एंड गर्ल्स दैट फॉलो मी, प्लीज रीड दिस एंड बी वैल्यू, नो द डिफरेंस, लव यू, गुड नाइट। तो उन्होंने यही लिखा कि जो भी लड़कियां मेरी फ्रेंड्स मुझे फॉलो करती हैं वो इस चीज़ का डिफरेंस ज़रूर समझे कि पसंद करना और आपको वैल्यू किए जाने में बहुत फ़र्क है और इस चीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और लव यू गुड नाइट। तो क्या अनुषा का इशारा किसी और की नहीं बल्कि करण की ओर है? आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा।